कि आपको ये गाड़ी मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि इतना डिमांडेड रहता है यह गाड़ी। जब भी आता है मार्केट में तुरंत सेल हो जाता है, और इसे आपको बुकिंग करवा के भी लेना पड़ जाता है, जिस प्रकार महिंद्रा को बुकिंग करवाना पड़ता है। इसका कलर के लिए तुम आपको अलग एक महीना अलग से आपको बोलना होगा, यह 3-4 कलर में भी प्रोवाइड। तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज बताएंगे दोस्तों वेस्ट बंगाल का नंबर 1 ई रिक्शा कौन सा है, टॉप 5 ई रिक्शा बताएंगे दोस्तों। आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि यह ई रिक्शा बताने का मेरा मोटिव यही है दोस्तों, क्योंकि आप लोग के मन में सवाल यह हो रहा होगा, तो आप सेकेंड हैंड ई रिक्शा बेचते हैं तो आप न्यू ई रिक्शा के बारे में क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि न्यू ई रिक्शा इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे हैं मुझे और कॉल भी कर रहे हैं कि सर मुझे नया ई रिक्शा लेना है, कौन सा लेना अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब से रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चालू हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो बहुत लोग सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं। और उनमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, वो बहुत सारे तरह के मन में सवाल हो गए हैं, मन में शंका हो गया है। हालांकि मैं सबका क्लियर कट वीडियो बना चुका हूँ कि हाँ, हर गाड़ी का ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा, और 2022 से पहले का ई रिक्शा नहीं हो सकता है, बाद वाला हो सकता है, जैसे 22 से 24 का हो सकता है रजिस्ट्रेशन। तो बहुत लोग नहीं लेना चाहते, लोगों का अपना अपना थिंकिंग होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि टॉप 5 ई रिक्शा बताऊँगा आप लोगों को वेस्ट बंगाल का। अगर लेना चाहते हैं तो आप पिछू को होते हैं तो ले सकते हैं, कम बजट से लेकर हाई बजट तक बताऊँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर ज़रूर से देखिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल का अगर आप बाहर भी रहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल से भी गाड़ी ले जा सकते हैं, कम प्राइस में भी मिल जाता है यहाँ पर, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी मिल जाता है अदर स्टेट से, क्योंकि अदर स्टेट में प्राइस हाई होने के कारण गाड़ी भी उतना खास नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। बिहार झारखंड का भी ई रिक्शा का बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉप 5 में बता रहा हूँ दोस्तों, अनंत कंपनी का गाड़ी मैं साइड में दिखा दूँगा। अनंत कंपनी का गाड़ी, यह गाड़ी दोस्तों हल्का है, गाड़ी एकदम खूबसूरत है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अभी भी मार्केट में डिमांडेड तो नहीं है उतना। बहुत सारे लोग कम बजट के कारण यह गाड़ी को ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि गाड़ी हल्का भी होता है, बैटरी में कम से कम एम्पियर का बैटरी चढ़ाने के बाद भी गाड़ी अच्छा ठीक ठाक माइलेज भी दे देता है, और गाड़ी मजबूती नहीं होना होता है दोस्तों, क्योंकि यह गाड़ी 3 से 4 साल में गाड़ी डैमेज हो जाता है, पूरा एकदम बेकार हो जाता है। तो गाड़ी इसे टॉप 5 में रखे हैं अनंत कंपनी का गाड़ी। मैं ऐसा नहीं कि वो सब गाड़ी का नहीं बताऊँगा जो ख़त्म हो जाता है, सबका बताऊँगा, टॉप 5 गाड़ी देखा बता रहा हूँ दोस्तों। तो अनंत गाड़ी को मैं टॉप 5 में रखता हूँ, 5 नंबर में रखता हूँ। 4 नंबर में दोस्तों प्रकृति का गाड़ी रखता हूँ, प्रकृति कंपनी का, आप साइड में देख सकते हैं। यह भी नॉर्मली है, कम बजट का है, आप इसका बेस्ट वेरिएंट आपको 80,000 से शुरुआत मिल जाएगा, 80 से 90 से स्टार्टिंग मिल जाएगा आपको अनंत का भी और इसका भी। और हाईएस्ट वेरिएंट इसका लेना चाहते हैं तो एक ही वेरिएंट निकला है प्रकृति का भी, और अनंत का भी एक ही वेरिएंट निकला है। तो इसका हाईएस्ट वेरिएंट कुछ नहीं है दोस्तों, आप इसमें एडवांस बैटरी लगवा सकते हैं लॉन्ग टूर जाने के लिए, क्योंकि यह गाड़ी हल्का होता है, तो इसका बैटरी भी जब साथ में आप गाड़ी लीजिएगा तो बैटरी भी कम बजट का बैटरी देगा, 100 एम्पियर का बैटरी देगा, क्योंकि 100 एम्पियर का बैटरी इसमें बहुत ज़्यादा है, यह गाड़ी के अनुसार 100 एम्पियर का बैटरी भी बहुत ज़्यादा है, माइलेज बहुत ही अच्छा ठीक ठाक माइलेज है, आपको 80-90 का माइलेज दे देगा 100 एम्पियर में भी। ऐसे नॉर्मल जो हाई ब्रांड का गाड़ी होता है उसमें आपको 1 एम्पियर का बैटरी लगाइएगा तो 50-60 माइलेज देगा, उससे ज़्यादा माइलेज नहीं देगा, पर इसमें 90-100 का भी माइलेज दे सकता है 100 एम्पियर में, अगर आपका बजट कम होता है बैटरी का, अगर आप कम बजट का बैटरी लगाना चाहते हैं हर साल, हर 1.5 साल 2 साल में, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, कम बजट में आ जाएगा आपको। नंबर 4 में प्रकृति कंपनी का गाड़ी आपको मिल जाएगा दोस्तों। नंबर 3 में बता देते हैं दोस्तों, यह गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत डिमांडेड था एक टाइम जब वेस्ट बंगाल में नया नया ई रिक्शा आया था, तो यह गाड़ी बहुत डिमांडेड था। यह है दोस्तों बिग बुल। बिग बुल का बहुत सारे वेरिएंट आता है, लो वेरिएंट, मीडियम में भी आता है, हाई वेरिएंट में भी आता है, तीनों वेरिएंट का मैं दिखा देता हूँ आपको। बिग बुल में आपको वैरायटीज़ भर भर के मिल जाएगा, आपको कलर भी भर भर के मिल जाएगा, हर एक कलर में आपको प्रोवाइड होगा, स्टील बॉडी के साथ भी अब आता है, डिजिटल आपका सेंसर उनसर के साथ आता है। नंबर 3 में रखने का कारण यही है क्योंकि इसका मार्केट डिमांडिंग कम हो चुका है, क्योंकि अभी नया नया मार्केट में बहुत सारे लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे डिमांडेड घुस चुका है, तो इसका मार्केटिंग थोड़ा सा कम हो चुका है, तो इसी कारण इसको नंबर 3 में रखते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको हाई वेरियंट का भी मिल जाएगा, आप 1,30,000-40,000 का अंदर में भी आपको गाड़ी मिल जाएगा बिग बुल का। लो मीडियम वेरियंट में आप लेना चाहते हो तो 1,10,000 में आपको वेरियंट मिल जाएगा, और इसका एक लो वेरियंट भी आता है दोस्तों, वो 80-90 के साथ शुरुआत होता है,
आप इसमें कोई भी बैटरी लगावा सकते हैं, 150 एम्पियर, 100 एम्पियर, 120 एम्पियर कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। अगर हाईएस्ट आप हाई क्वालिटी का लेते हैं जो 130-40 का जो 130-40 का जो वेरिएंट है उसमें आपको हाई वेरिएंट का बैटरी लगाना होगा, क्योंकि वो स्टील बॉडी के साथ आता है और मजबूती के साथ आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब नंबर दो का बारी है। यह गाड़ी बहुत ही जल्दी आया मार्केट में और छा भी गया दोस्तों, बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है, अभी भी डिमांडेड है, क्योंकि यह गाड़ी बहुत ही जल्दी मार्केट कैप्चरिंग कर लिया दोस्तों। नंबर दो का यह गाड़ी बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है और हर जगह आपको यह गाड़ी मिलेगा नहीं, यह वेस्ट बंगाल के अंदर ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और आप हर एरिया वेस्ट बंगाल के कोई से एरिया में आप चल जाइए, गली गाँव शहर कहीं भी आप चला जाइए, यह गाड़ी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। यह गाड़ी है दोस्तों सोडाइको कंपनी का गाड़ी, बहुत ही मार्केट डिमांडेड गाड़ी है दोस्तों, बहुत ही कैप्चरिंग डिमांडेड गाड़ी है और यह गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। लुक वाइज भी आप देख सकते हैं, फोल्डिंग सिस्टम भी देख सकते हैं, इतना खूबसूरत गाड़ी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। मेरा भी शौक़ था सोडाइको लेने के लिए, तो फिर बाद में मैं कैंसिल कर चुका हूँ, मैं अब गाड़ी नहीं लेना चाहता ई रिक्शा, क्योंकि मैं ई रिक्शा लाइन से मैं धीरे धीरे साइड हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारे ऐसे काम है कि मैं उसमें टाइम नहीं दे पाता हूँ। मेरे जो 3-4 गाड़ियाँ हैं वो भाड़ा में ही चलता है, तो इससे ज़्यादा फ्यूचर में हो सके तो मैं लूँगा, तो खुद चलाने के लिए नहीं लूँगा, मैं भाड़ा में देने के लिए लूँगा, क्योंकि मजबूत गाड़ी भी अब मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही मजबूत मिल जाता है। इसमें स्टील बॉडी आ जाता है, फोल्डिंग सिस्टम आ जाता है, आपका 1200 का मोटर भी आ जाता है, 1000 का भी मोटर आता है, 1200 का भी मोटर आ जाता है इसमें, और कंट्रोलर भी 1200 का मोटर का आ जाता है। इसमें आप 6 बैटरी का शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, बहुत सारे फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स के बारे में मैं बाद में बताऊँगा कभी अलग डिटेल्स में, सिंगल बाई सिंगल, क्योंकि अभी मैं गाड़ी टॉप 5 का गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ। तो यह नंबर 2 में मैं रखता हूँ सोडाइको कंपनी का गाड़ी, साइड में देख सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो 2 नंबर में मैं इसे रखता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 1 का गाड़ी, यह गाड़ी वेस्ट बंगाल का ही गाड़ी है दोस्तों, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है वेस्ट बंगाल का, और इसमें सब इंडियन ब्रांड है, सब चीज़ इंडियन ही मिलता है आपको, और यह गाड़ी बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि यह वेस्ट बंगाल के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे इलाके में है कि आपको यह गाड़ी मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि इतना डिमांडेड रहता है, यह गाड़ी जब भी आता है मार्केट में तुरंत सेल हो जाता है, और इसे आपको बुकिंग करवा के भी लेना पड़ जाता है, जिस प्रकार महिंद्रा को बुकिंग करवाना पड़ता है। इसका कलर के लिए तुम आपको अलग एक महीना अलग से आपको बोलना होगा, यह 3-4 कलर में भी प्रोवाइड होता है, 5 कलर में भी प्रोवाइड होता है। कलर के बारे में बता दें, इसमें रेड, ब्लू, आपको ग्रीन और आपको येलो भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा एक दोस्तों अच्छा वेरियंट में आता है, जो सबसे खूबसूरत आता है वह है दोस्तों वाइट कलर। वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत आता है, आप नया नया जब वाइट कलर का गाड़ी लीजिएगा हुगली मोटर का, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको। तो इसमें कलर भी अच्छा रखता है, लुक भी अच्छा मिलेगा। इसका 3-4 मॉडल भी अभी निकल चुका है, हालांकि इसमें बीच में एक मॉडल जो आया था आपको साइड में दिखा देते, यह मॉडल उतना खास चला नहीं, बाकी जो अभी का जो मॉडल है ये सब जो बटरफ्लाई हो गया ये सब बहुत ज़्यादा चलने वाला डिमांडेड गाड़ी है दोस्तों। नंबर 1 पे इसीलिए मैं रखता हूँ क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का खुद का मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है दोस्तों, हाई डिमांडेड गाड़ी है, बजट भी बहुत ही खूबसूरत है, या आपको ज़्यादा बजट में नहीं 130-140 के अंदर आपको मिल जाता है यह गाड़ी। और इसमें आपको दोस्तों एक ही वेरियंट मिलेगा बैटरी के मामले में, इसमें आपको 4 ही बैटरी मिलेगा, 5 बैटरी का कोई ऑप्शन नहीं है, 4 बैटरी में आपको इसमें आप 1000 का मोटर मिल जाएगा, 1000 का कंट्रोलर मिल जाएगा, क्योंकि यह कंपनी इसका दावा करता है कि इसमें ज़्यादा देने से क्या हो जाएगा, आपका यह गाड़ी आपका जो गाड़ी का जो आप स्पीड होता है वो बढ़ जाने के कारण इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसका कंपनी 4 बैटरी का साथ ही लाता है और 1000 मोटर 1000 कंट्रोलर का साथ ही आता है। अगर फ्यूचर्स में आप अगर एक्सचेंज करवाना चाहते हैं मोटर या बैटरी अगर ज़्यादा बढ़वाना चाहता है, इसके लिए वो अपना अलग से फंक्शन दिया है, पर कंपनी उसे लगा के नहीं देता है, कंपनी का खुद 4 बैटरी का साथ ही आता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, या 5ों गाड़ी अगर लेना चाहते हैं कोई भी अगर गाड़ी अच्छा लगे तो आप कॉमेंट कर दीजिए आपका फेवरेट गाड़ी कौन सा है। तो चैनल में लाए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कोई अगर आपका दोस्त यार अगर गाड़ी लेना चाहता है तो ये वीडियो को उसे शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।